आज हम लोग को क्या करना है कि डिग्री मेथड, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मास सेलेक्शन, मास मास सेलेक्शन, सिलेक्शन, और उसके पहले क्या पढ़ा था? प्योर लाइन। हम दो प्योर सेलेक्शन लाइन, पढ़ चुके हैं, प्योर लाइन। प्योर लाइन और मास सेलेक्शन। प्योर लाइन सेलेक्शन में आपने देखा कि एक तरह का होमोजाइगस प्लांट या जो हमारे लिए अच्छे करेक्टर शो करता है उनको हम ग्रो कराते हैं और उनको प्योर प्योर लाइन की जो अच्छी वैरायटी है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। मास सिलेक्शन में देखा आपने कि हम लोग मास में अधिक अमाउंट में एक तरह से क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड दोनों तरह के क्रॉप को ग्रो कराते हैं और उसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन रहती है और उसको हम लोग जो अच्छी क्वालिटी होती है उसी को हम लेकर फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग पेडिग्री मेथड देखेंगे। पेडिग्री मेथड जो है वो केवल आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ही हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में क्यों हो सकता है? क्योंकि पेडिग्री का मतलब क्या होता है, कोई बताओ? पेडिग्री वंश, पेडिग्री, मैम पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एंड सो ऑन। हाँ, पेडिग्री का रिकॉर्ड। जैसे अभी हम लोग कह लो राहुल गांधी की पूरी पेडिग्री का रिकॉर्ड है हम लोग के पास ना। जैसे जिसका भी रिकॉर्ड, पेडिग्री मतलब आपका ये जो काजल काजल ने बताया एकदम सही है कि आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी आगे का आप रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये रिकॉर्ड आपका क्रॉस पॉलिनेटेड में आसान नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेटेड में आपका जो है रिकॉर्ड मुश्किल होता है। तो ये पेडिग्री मेथड जो है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए होता है। पेडिग्री मेथड में हम उनके पूरे वंश का रिकॉर्ड रखते हैं और उसके बेस पे हम जो है वो फर्दर जो है वो करते हैं अपना क्या कहते हैं, उसके बेस पे हम उनका जो सुपीरियर क्वालिटी है उसके बेस पे हम उनको रिकॉर्ड करते हैं और उस पे बेस पे हम अपना प्लांट को प्लांट ब्रीडिंग का काम करते हैं। तो अब आ जाइए, इसको हम स्लाइड शेयर कर रहे हैं। तो आज हम लोग पे डिग्री मेथड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे। तो क्या है इसको, पहले सबसे पहले जो है H.H. लव इन 1927 में दिया था। तो ये है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एंड इट जनरली गोज बैक टू सम डिस्टेंट एंसेस्टर इन पास्ट। तो मतलब हमको जो ये जो पेडिग्री मेथड है हम इसमें एंसेस्टर्स की स्टडी करते हैं और पूरा मतलब डिटेल उनका देखते हैं। दस पेडिग्री वुड डिस्क्राइब द पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। पेडिग्री इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट इफ टू इंडिविजुअल रिलेटेड बाय डिसेंट देयर एंसेस्ट्री एंड देयरफॉर आर हैव सम जीन इन कॉमन। तो एक चीज़ और है, इसके पहले जो हम लोगों ने जो भी मास और प्योर लाइन सिलेक्शन देखा था उसमें हमने सेग्रीगेटिंग जनरेशन नहीं लिया था ना। ये जो पेडिग्री है मतलब आपका तो पेडिग्री मेथड जो है, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड और क्या कहते हैं और एक और बैक क्रॉस मेथड, ये तीनों मेथड जो है सेग्रीगेटिंग जेनरेशन के लिए ही करी जाती है। मतलब इसका मतलब सेग्रीगेटिंग जेनरेशन के बताएगा क्या होता है सेग्रीगेटिंग जेनरेशन, देवांशी, काजो? सेग्रीगेशन क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन, सेपरेशन है। और सेपरेशन कब होता है, जब मान लो टू इंडिविजुअल जीन, हम यहाँ पे जब हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो हम जीन की बात कर रहे हैं, एक तरह से हम उस पर्टिकुलर जीन का जो एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम सेग्रीगेशन करा के हम देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। एक्चुअली ये पूरा फार्मिंग है। तो इसमें क्या होता है, पेडिग्री में जो पेडिग्री मेथड जो होता है, या मतलब आप इसके आगे जो भी आप मेथड पढ़ेंगे वो आपका सेग्रीगेटिंग जनरेशन के लिए होगी। उसके पहले वाला तो आपने नॉर्मल प्रोसीजर था। इसमें क्या है, आपने इंडिविजुअल का जैसे मान लो ए और बी दो पेरेंट्स है, ठीक है, उनको आपने क्रॉस करवाया तो एफ वन जनरेशन हुई। एफ वन जनरेशन का मतलब क्या है कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन हुआ या ये प्रोजेनी हुई, ठीक है। अब इस प्रोजेनी को जब हम फर्दर क्रॉस कराएंगे, अब इस प्रोजेन में अच्छा सेग्रीगेटिंग जनरेशन जब भी लेते हैं
तो कभी भी उसमें F1 क्रॉस नहीं लिया जाता है। F1 क्योंकि सेग्रीगेशन हो नहीं सकता, F1 तो मेल और फीमेल का 50% कैरेक्टर लेकर वो आया हुआ है। अब F1 के बाद जो जनरेशन होती है F2 जनरेशन से वो काउंट होता है, तो उसको हम कहते हैं सेग्रीगेटिंग जनरेशन। तो इसमें पेडिग्री जो है ये आपका एंसेस्ट्री को एक तरह से शो करती है। पेडिग्री रिकॉर्ड क्या होता है? इन पेडिग्री मेथड अ डिटेल्ड रिकॉर्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड द प्रोजेनी इज मेंटेन। तो इसमें क्या होता है, हर एक प्लांट, उनको पेरेंट प्लांट भले नहीं पता, F1 जनरेशन जहाँ से इन्होंने शुरू किया हुआ है वहाँ से वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं प्रोजेनी का। एज अ रिजल्ट ईच प्रोजेनी इन एवरी जनरेशन ट्रेस बैक टू द F2 प्लांट फ्रॉम विच ओरिजिनेटेड सच अ रिकॉर्ड इज नोन एज पेडिग्री रिकॉर्ड। क्यों F2 जनरेशन को लिया जा रहा है, इसी के बात हम कर रहे थे कि जो ये आपका ए और बी अगर मेल पेरेंट्स, मेल एक मेल एक फीमेल क्रॉस करते हैं तो जो F1 जनरेशन होती है, जैसे आप लोग टॉल और ड्राफ्ट का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन हमेशा टॉल होगी, तो उसमें सेग्रीगेशन होता ही नहीं है, टॉल है। अब जब इसको फर्दर क्रॉस कराएंगे उसके बाद ना सेग्रीगेशन होगा टॉल और शॉर्ट का, तो यहाँ से F1 जनरेशन को मेन जनरेशन मान लेंगे। उसके बाद F2 से हमेशा हम उसकी पेडिग्री के रिकॉर्ड रखा जाता है कि F2 जो है वो उसका वहाँ से सेग्रीगेशन जनरेशन शुरू होगी और उसका रिकॉर्ड रखेंगे। यही रिकॉर्ड अब हम कल अगर पढ़ाएंगे बल्क मेथड तो उसमें भी देखेंगे कि सेग्रीगेटिंग जनरेशन से ही रिकॉर्ड रखना शुरू होता है, उसी के बाद से ही प्रोसेस शुरू होती है। ये बात और है कि जो पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं, पहला पेरेंट मतलब हाइब्रिडाइजेशन ही होगा पेरेंट, और जब आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तब भी जब आप पेरेंट सेलेक्ट करेंगे तो पेरेंट्स का आप सुपीरियर करेक्टर को लेकर ही आप पेरेंट आप सेलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ प्रोसीजर क्या होता है। इन पेडिग्री मेथड इंडिविजुअल प्लांट आर सेलेक्टेड फ्रॉम F2 एंड सबसीक्वेंट जनरेशन एंड देयर प्रोजेनी आर टेस्टेड। प्रोजेनी क्या होता है? ऑफस्प्रिंग हुआ प्रोजेनी। F1 जैसे हुआ तो F1 के बाद जो है फिर F2 जनरेशन है, F2 के बाद जो है F3, F3 के बाद F4, F4 के बाद तो F1 जो जनरेशन है आपकी F1 जनरेशन में आपके पेरेंट्स का क्रॉस किया आपने। F1 जनरेशन को चूंकि वो सेग्रीगेटिंग जनरेशन नहीं है उसको हम नहीं लेते हैं, F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग कराएंगे। जब आप सेल्फिंग कराओगे, अगर मान लो हेटरोजाइगस कोई कंडीशन है तो आपका क्या होगा, सेग्रीगेट होगी जीन। मतलब अगर टॉल और ड्राफ्ट का है तो F1 जनरेशन में तो सब टॉल होंगे, लेकिन जब F2 जनरेशन आएगी तो उसमें जो है ड्राफ्ट और टॉल दोनों का होगा। अब आपको टॉल ही करेक्टर चुनना है मान लो, मतलब हम ये कहने, तो आप वो जो टॉल प्लांट है आप उसको लेकर फर्दर प्रोसीड करोगे, आप उसका फिर आप सेल्फिंग कराओगे। सेल्फिंग मतलब अब F2 जनरेशन हुआ, जब F3 जनरेशन हुआ, हाँ, और F3 जनरेशन जो हुआ वो आपका साल जो होगा 14 साल हो जाएगा, तो F3 जनरेशन में फिर आप सेल्फिंग कराओगे। तो इस तरह सेल्फिंग कराओगे, लेकिन आप हर एक सेल्फिंग का, हर एक क्रॉसिंग का, हर एक सेल्फिंग का रिकॉर्ड रखोगे कि ये इस पेरेंट से आया हुआ, इसी को पेडिग्री रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये हुआ, और एंड देयर प्रोजेनी आर टेस्टेड ड्यूरिंग द इंटायर ऑपरेशन। अ पेडिग्री रिकॉर्ड इज केप्ट, इंडिविजुअल प्लांट सेलेक्शन इज कंटिन्यूड टिल द प्रोजेनी शो नो सेग्रीगेशन। एट दिस स्टेज सेलेक्शन इज डन अमंग द प्रोजेनी बिकॉज देयर वुड बी नो जेनेटिक वेरिएशन। तो ये एक बात है कि इसमें जो है ये तब, हाँ 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 बताओ, मैम हाँ 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 मैम दो लोग वेट कर रहे हैं, रहमतून और शिखा, उन लोग का ज्वाइन नहीं हो पाया है। ज्वाइन तो हम करवा दिए सबको, हमने परमिशन दे दी है, देखो अभी भी वेटिंग दिखा रहा है। हाँ मैम, शायद उन लोग को इन नहीं किए हैं, आप अभी इन्हें किए हैं। चलो मैम मेरा ऐड हो गया। ऐड हो गया, चलो ठीक है, कोई दिख नहीं रहा, अभी फिर आएगा तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। तो मेरे में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। तो ये बोल रहे थे कि जैसे आपका सेग्रीगेटिंग जनरेशन का है, और तो पहले तो आपने F2 जनरेशन के बाद रिकॉर्ड रखा, और ये रिकॉर्ड कब तक रखा जाएगा, इसीलिए ये टीडियस प्रोसेस है। प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस कठिन नहीं है, लेकिन मतलब बहुत टीडियस है,
मतलब ये है कि आप रिकॉर्ड F1 का रखो, फिर F2 का रखो, फिर F3 का रखो, सबका रिकॉर्ड रखो, और कब तक रिकॉर्ड रखना है? जब तक सेग्रीगेशन होना बंद ना हो जाए ना, क्योंकि आपको एक वैरायटी रिलीज करनी है ना, तो वैरायटी का जब तक आपको करेक्टर नहीं होगा और हम आपको जो डिजायर्ड करेक्टर है वो नहीं होगा, तब तक तो लिखा है द इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन इज कंटिन्यू टिल द प्रोजेनी शो नो सेग्रीगेशन एट दिस स्टेज सिलेक्शन इज डन अमंग द प्रोजेनीज बिकॉज देयर वुड बी नो जेनेटिक वेरिएशन विद इन द प्रोजेनीज. तो उसमें जब आप प्रोजेनी में जब जेनेटिक वेरिएशन नहीं होएगा, तब जो है हमको पता चल जाएगा कि अब हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर, अब हमारा ये सेग्रीगेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है. उसके बाद हम वही करेंगे प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल. प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल में आपने क्या देखा था? कल हमने बताया था क्या था उसमें. प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल में क्या करते हैं, आपने जो वैरायटी आपको लग रहा है अब इसमें सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, आपको यही करेक्टर चाहिए, आपने ग्रो कराया, अब आप चेक वैरायटी के साथ, जो अगर आपने गोरखपुर में ग्रो कराया है तो गोरखपुर की जो सबसे अच्छी वैरायटी है या उसको आप अब उसके साथ ग्रो कराएंगे, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी अच्छी वैरायटी है उसके साथ उसको ग्रो कराएंगे. इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी ट्रायल. प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल जब करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर एरिया के, जिस जगह आपने उस प्लांट को सिलेक्ट किया है या जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस जगह की बेस्ट वैरायटी को चेक के रूप में रखते हैं, और उस वैरायटी को आप जो है उसको चेक को आप के साथ ग्रो कराएंगे, और चेक के साथ जब आप ग्रो कराएंगे तो उसमें जो सुपीरियर वैरायटी होगी उसको आप फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो है आपका वो क्या कहते हैं, कंबाइंड होता है यील्ड ट्रायल ना, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल. इसका मतलब कि हम पूरे देश में हर जगह अलग अलग जगह उसको ग्रो कराएंगे, उसमें जो है उसमें जो सिलेक्ट होगा उसके बाद हम उसको एज अ वैरायटी रिलीज करेंगे, मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो आपका जितने भी प्लांट ब्रीडिंग के मेथड है, हम इसको इसके बता रहे हैं, जितने भी प्लांट ब्रीडिंग के मेथड है, चाहे प्योर लाइन से लेकर आपका बैक क्रॉस रिकरेंट सिलेक्शन, जो भी मेथड आप पढ़ेंगे उसमें सब में ये, जब आपका प्रोसेस सिलेक्शन, इवन म्यूटेशन ब्रीडिंग में भी जब सिलेक्शन का सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, फिर कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चारों लास्ट का प्रोसेस हर एक प्लांट ब्रीडिंग में होगा जब आपने वैरायटी चेक कर ली है. यही चीज़ इसमें भी है. और इसमें बस एक खास बात जो रखना है पिछले बार के अपेक्षा, इसमें जो भी कुछ होगा हर एक जनरेशन का, F1 जनरेशन की आप सेल्फिंग कराएंगे, F2 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे, सीड कलेक्ट करेंगे और उनका आप रिकॉर्ड रखेंगे, और जो उसमें पहली जो F1 जनरेशन की सीड होगी वो मिनिमम 10 से 30 के बीच में होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. एक और चीज़ बतानी है, अभी आगे आते हैं तो बताते हैं. अच्छा, इसमें आ ही गया डायग्राम है. इसकी इंपीडिग्री सिलेक्शन में क्या होता है, तो आपने पहला पेरेंट सेलेक्ट किया. पेरेंट सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो करेक्टर चाहिए मेल और फीमेल का, आप वही करेक्टर लेंगे. उनमें आप क्रॉस करवाए तो ये P1 और P2 क्रॉस कराया, तो सेकेंड ईयर, अब देखो पहले ईयर में आपने पेरेंट्स का क्रॉस कराया, पेरेंट का क्रॉस सेलेक्टेड करेक्टर. अब जो है इनको सेकेंड ईयर में जो है आपने सेकेंड ईयर मतलब F1 जनरेशन, फर्स्ट फेलियर जनरेशन, इसको आपने ग्रो कराया, तो इसमें जो है प्लांट जो होगा उसमें मैक्सिमम 10 से 30 सीड का होना चाहिए और स्पेस प्लांटेड होना चाहिए. स्पेस प्लांटेड, किसी को पता है स्पेस प्लांटिंग क्या होती है? जैसे गेहूं का पौधा है तो उसको एक किसी पौधे को एक निश्चित स्पेस चाहिए होती है, जैसे 22 सेंटीमीटर, 22.3 सेंटीमीटर गेहूं के पौधे को, एक पौधे जो एक रो से दूसरे रो की डिस्टेंस होती है वो करीब करीब 22.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मल प्लांटिंग में. लेकिन जब आप स्पेस प्लांटिंग करते हैं तो जो नॉर्मल प्लांटिंग की जगह है उसे बढ़ा देते हैं वो जगह, तो दूरी आप बढ़ा देते हैं, तो इसमें बस 20-30 सीड आपने ली लेकिन उनको स्पेस प्लांटिंग कर दिया. स्पेस प्लांटिंग क्यों कर रहे हैं? स्पेस, किसी को भी आपको स्पेस अधिक मिले तो आप अच्छे से ग्रो करोगे. स्पेस सभी को चाहिए, पौधों को भी. स्पेस प्लांटिंग करने का मतलब हमको अधिक से अधिक सीड चाहिए होती है, तो हम जो है उस सीड को हम जो है अधिक से स्पेस प्लांटिंग करने पे वो उनका कंपटीशन कम हो जाता है, उनको ग्रो करने की वो मिलती है, स्पेस मिलती है, तो अच्छी सीडिंग सीड होती है, तो उनको हम फर्स्ट ईयर में F1 जनरेशन में स्पेस प्लांटेड करते हैं. अब क्या होता है, अब F2 जनरेशन में क्या, F2 जनरेशन जो होगा आपका तीसरे साल में आएगी. ये समझ में आ रहा है ना कि इसको जनरेशन क्यों तीसरे साल में है? सबको समझ में आ रहा है ना?
कोई भी आप चीज लोगे पहले ईयर में पेरेंट्स चॉइस होगा आगे, क्योंकि तीनों जो अभी कराएंगे वो हम इसलिए कंटिन्यूशन में ही चाह रहे हैं, ये तीनों हो जाएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। अब उसके बाद जो है आपका थर्ड ईयर, अब एफ टू जनरेशन में क्या होगा, एफ टू जनरेशन में आपने 30 के करीब सीट ग्रो कराई, हर सीट बहुत प्लांट ग्रो करेंगे। अब इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपने पौधा लिया है कम से कम उसमें 2000 से 10000 प्लांट चाहिए आपको, तो ये जो सीड है वो आपके स्पेस प्लांट की सारी सीड्स को आपको कलेक्ट करके उनको ग्रो कराना है। अब उनको भी आप स्पेस प्लांट करेंगे, 2000 करीब आपने सीड ग्रो करा दिए, 2000 से 10000 मतलब तो बहुत ज़्यादा, उतने प्लांट इनको चाहिए बल्कि उससे ज़्यादा, तो इसको ग्रो कराया उन्होंने। अब उस प्लांट में आपने सुपीरियर 500 प्लांट के करीब, 100 से 500 के बीच में जो सुपीरियर प्लांट हो उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इन प्लांट को सेलेक्ट करके अब इनकी आपने सेल्फिंग कराई। अब इसमें ये F3 जनरेशन आई, F3 जनरेशन में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी स्पेस प्लांटेड। अब ये इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी क्या होती है, इंडिविजुअल प्लांट का ऑफस्प्रिंग। हाँ हाँ कौन बोल रहा है, हाँ देवंशी बताओ। मैम हर जो प्लांट है उसका ऑफस्प्रिंग, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जैसे ना 500 प्लांट तुमने कलेक्ट किया, उसमें हर एक प्लांट एक मतलब इंडिविजुअल प्लांट हुआ, मान लो एक प्लांट है उसमें 50 सीड हुए, ठीक है, उस सीड को तुमने स्पेस प्लांटिंग में एक रो में लगवाया ना, तो ये हो गया इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी, ठीक है, यही बोल रही थी ना। यस मैम यही बोल रहे थे। हाँ हाँ यही है, इंडिविजुअल मतलब एक प्लांट की जो प्रोजेनी होगी उसी को आप ग्रो कराएंगे, सुपीरियर प्लांट सेलेक्टेड फ्रॉम द जूनी। अब उस प्रोजेनी में मान लो एक रो तुमने एक ही प्लांट की लगा दी, हो सकता है उसमें तुमने 10 प्लांट लगाया है, उसमें 2-4 प्लांट तुम्हें अच्छे लगे। अब उन सुपीरियर प्लांट को हर रो से आपने चेक कर लिया। अब ये आप अगले साल भी करेंगे, ये आप F4 जनरेशन में भी आप यही काम करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी स्पेस प्लांट है, सुपीरियर प्लांट आर सिलेक्टेड, ठीक है, यही आप जो है आप फिर आप इसमें भी करेंगे फिफ्थ ईयर में भी, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी प्लांटेड इन मल्टी रो। अब इसमें क्या करते हैं F5 जनरेशन में, यानी कि छठवें साल में, इसमें क्या करते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी आर प्लांटेड इन मल्टी रो। अब ये जो है मल्टी रो मतलब एक प्लांट का जो आपके तीन मान लो 30 सीड हुए तो 10-10 सीड का आपने रो लगा दिया, तो मतलब आपने एक एक प्लांट में जो 3 रो लगाया, क्यों लगाया इसको, इससे आप ये देखेंगे उस जितने भी सीड है उसमें आपकी कौन सी सुपीरियर सीड है, तो उस सुपीरियर सीड को आप चुनेंगे और फिर फर्दर उसको जब आपने उसमें सुपीरियर प्लांट सेलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर प्रोजेनी, अब सुपीरियर प्रोजेनी की थी उसी से आपने सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आइए सेवन्थ ईयर में क्या करते हैं, सेवन्थ ईयर में भी यही काम करते हैं, फिर आप रो बना रहे हैं और उसके बाद जो है फिर सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है इस पर्टिकुलर प्लांट को आप चेक वैरायटी के साथ ग्रो करेंगे, इसका मतलब प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल में भी कंडक्टेड। अब जो है प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल मतलब आप जिस जगह जिस एरिया में आपने ये पूरा काम किया उस जगह की जो बेस्ट वैरायटी है उसके साथ इसका आप यील्ड ट्रायल करेंगे, ठीक है, उसमें जो सुपीरियर वैरायटी होगी अब आप उसके प्लांट को लेंगे। अब आठवें साल में क्या करेंगे आप, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल एंड क्वालिटी टेस्ट, ठीक है, अब जो इसमें भी जो प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल कर रहा है और क्वालिटी टेस्ट चेक वैरायटी के साथ होगा, ठीक है, सेवन्थ साल में ये करेंगे। अब 11 to ये 3 साल लगता है इसमें, जब भी आप प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करोगे चेक वैरायटी के साथ, तो उसके बाद 9 to 12th ईयर जो है आपका 3 साल लगेगा जब आप कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल करोगे देश में हर अलग अलग जगह और उनका डिसीज और क्वालिटी टेस्ट करेंगे। अब ये सारे टेस्ट जब ये पास कर लेगा ये पर्टिकुलर प्लांट, तो आप उसको 12th ईयर में आप जो है सीड को जब आपको पता चल गया ये इसमें ये प्लांट जो है ये वैरायटी ठीक करी, अब उसको आप फर्दर ग्रो कराएंगे, उसकी सीड को इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो तीनों स्टेप है हमने बताया कि ये तीनों स्टेप आपका पिछली बार भी आपने चाहे मास सिलेक्शन देखा था तो उसमें भी था, आपका जो है आपने प्योर लाइन सिलेक्शन देखा था उसमें भी था, और ये आगे जितने भी सिलेक्शन देखेंगे ये तीनों तो रहेगा ही, और ये जो इसके पहले वाली सारी स्टेप है ये यहाँ तक कि इसमें जो है अलग 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 प्रोसीजर में अलग अलग होती है। जैसे अभी आगे जो हम 3 बताएंगे
बल्क मेथड और पेडिग्री मेथड और बैक क्रॉस मेथड, इसमें हम हमेशा F1 जनरेशन या सेग्रीगेटिंग जनरेशन के आगे प्रोसीड करते हैं। सेग्रीगेटिंग जनरेशन की हम बार बार सेल्फिंग कराते हैं, ये जो सारा कुछ हो रहा है F1, F2, F3, F4, F5 सब में सेल्फिंग ही हो रही है, लेकिन हम बेस्ट प्लांट की सेल्फिंग कर रहे हैं। उनकी सेल्फिंग करा के जो हमें बेस्ट वैरायटी मिली है हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोसीजर बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया होगा। हाँ यस मैम, ये इजी है ये सबसे। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये है कि पूरी कैटलॉगिंग है, आपको पता है कि आपका ये पूरा रिकॉर्ड कीप, अगर किसी का रिकॉर्ड कीप करना तो बहुत मुश्किल है अगर आपके पास, लेकिन पूरा रिकॉर्ड है तो आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी आपके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में। सेलेक्शन इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन फिनोटाइप बट ऑल्सो ऑन जीनोटाइप, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो प्रोजेनी रो हो रही है इसका मतलब जीनोटाइपिकली वो सेग्रीगेटिंग जनरेशन आपके पूरा जब वो करेक्टर शो कर दे रहा है तभी हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप देख रहे हैं ना कि सेग्रीगेशन जनरेशन, जब सेग्रीगेशन कम हो जा रहा है, जब प्योर लाइन मिल जा रहा है, तो एक तरह से वो होमोजाइगस हो गया, उसी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेलेक्शन जो है फिनोटाइप पे नहीं बेस्ड है, वो जीनोटाइप के लिए बेस्ड है। तो वो एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में भी काफ़ी ईजी रहेगा। यूजिंग द रिकॉर्ड द बीडर इज एबल टू एडवांस ओनली द प्रोजेनी लाइन इन विच प्लांट दैट कैरी द जीन फॉर द टारगेट ट्रेड ऑकर। तो जब आपको प्रोजेनी रिकॉर्ड है तो आपको जो चीज़ चाहिए आप उस हिसाब से उस पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो कराएंगे। और हाई डिग्री ऑफ जेनेटिक प्योरिटी इज प्रोड्यूस इन कल्टीवार, द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड प्लांट इज असर्टेन बाय प्रोजेनी टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपका जेनेटिक प्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी और इसकी और ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड प्लांट इज असर्टेन बाय प्रोजेनी टेस्ट। प्रोजेनी टेस्ट से उसकी ब्रीडिंग वैल्यू का भी पता लग जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज भी कुछ है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि स्लो है, टीडियस है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ, सब लोग इतना लंबा इतनी साल 12-13 साल का रिकॉर्ड कोई भी बहुत रखना नहीं चाहता है, एक ये बात हुई। दूसरा, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर स्पीसीज इन विच इंडिविजुअल प्लांट आर डिफिकल्ट टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज, हर स्पीसीज में नहीं संभव है। तो कई ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें अगर इंडिविजुअल प्लांट को, या ये कह लो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में संभव नहीं है, बहुत कठिन है पेडिग्री का रिकॉर्ड रखना। पेडिग्री सिलेक्शन इज अ लॉन्ग प्रोसीजर रिक्वायर्ड अबाउट 10-12 ईयर्स और मोर कंप्लीट इफ ओनली वन ग्रोइंग सीजन इज पॉसिबल। तो ये भी बात है कि 10-12 साल लग जाएंगे अगर एक साल में गेहूं की फसल है या धान की फसल है तो उसको तो बहुत समय 10-12 साल लग जाएगा एक वैरायटी को रिलीज करने में। आजकल समय सब थोड़ा सा वो करते हैं, इसीलिए लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग के पीछे भाग रहे हैं, उसको भी हम लोग आगे पढ़ाई जाएगा। सिंस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी आर रिजेक्टेड इन दिस प्रोसेस देयर आर चेंजेस चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सम वैल्यूएबल मटीरियल। ये एक बड़ी बात है कि इसमें जो है कई बार हम हर स्टेप पे हम रिजेक्ट करते जा रहे हैं, तो काफ़ी बार हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमारे लिए वैल्यूएबल हो और वो भी रिजेक्ट हो जाएं। एप्लीकेशन क्या क्या है? फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्योर लाइन वराइटीज। अब ये एक एप्लीकेशन है, दिस मैथड इज ऑल्सो यूज इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन ब्रीड लाइन। बहुत रेयर है, क्रॉस पॉलिनेटिक में बहुत कठिन है, फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं इसको। यूज फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट देन ओलिगोजेनिक ट्रेट, ये एक बड़ी बात है। इसके पहले आपने देखा था कि ओलिगोजेनिक ट्रेट मतलब कुछ जीन से आपके रिलेटेड है, ये पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है क्योंकि पूरा रिकॉर्ड है आपके पास। इट इज़ यूज टू करेक्ट सम स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ एन एस्टेब्लिश वराइटी विद एम टू इम्प्रूव द यील्ड एंड क्वालिटी पैरामीटर्स। तो इस्टेब्लिश वराइटी को भी यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए या उनकी कुछ वीकनेस को कम करने के लिए उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन सिलेक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। तो ये इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर सिलेक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम सेग्रीगेटिंग जनरेशन। तो ये सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को भी सिलेक्शन के लिए हो सकता है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो
ये पेडिग्री मेथड हुए, अब इसके कुछ एग्जांपल है अचीवमेंट्स, आप लोग के एग्जाम में आए तो जरूर हर का एक दो अचीवमेंट आप लिख सकते हो। तो ये कुछ राइस की, कृष्णा, साबरमती, रत्ना, ये वैरायटी जो है इसी के द्वारा है, पेडिग्री मेथड के द्वारा। बीट की कुछ वैरायटी है, HD2281, HD2285, ये सब कुछ वैरायटीज हैं। पिजन पी की T21, प्रभात, ग्रीन ग्राम की भी कुछ, शीला, T2, T44, चिकपी की कुछ वैरायटी, T1, T2, T3, T5, पी की कुछ वैरायटी, पंत मटर, ज्वार मटर, ये सब उसके अचीवमेंट्स हैं। अब कल बल्क में जब पढ़ा जाएगा तो इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है पेडिग्री मेथड में और क्या डिफरेंस है बल्क मेथड में। तो पेडिग्री मेथड क्या है? मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्रीडिंग मेथड। अब जो हम लोग, अब जो भी प्लांट ब्रीडिंग का मेथड किया जा रहा है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड था हम उसमें रिकॉर्ड नहीं रखते थे, लेकिन आज हमको हर चीज़ का रिकॉर्ड चाहिए। तो हर हालत में प्योर लाइन है, पेडिग्री मेथड है, चूँकि जिनका रिकॉर्ड है, जेनेटिक रिकॉर्ड है, वो हमारे लिए हर तरह से अच्छे हैं, तो उनको यूज़ किया जाता है। जैसे अब अगले कल बल्क मेथड पढ़ा जाएगा तो उसमें काफ़ी जो है उसमें रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, तो उससे अच्छा ये मेथड होता है। नेक्स्ट आ गया, इंडिविजुअल प्लांट आर सेलेक्टेड इन F2 एंड सबसीक्वेंट जनरेशन एंड इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी आर ग्रोन। तो इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन तो F2 जनरेशन में होता है, सबसीक्वेंट जनरेशन तो इसमें जो है प्रोजेनी को ग्रो करते हैं F2 जनरेशन के बाद। ये बल्क मेथड में भी आप देखेंगे कि प्रोजेनी को ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे इसमें आप सिलेक्शन करते जाते हैं, आपने देखा कि F2 जनरेशन के बाद आपने सेल्फिंग कराई, लेकिन जो अच्छी प्रोजेनी आपने उसी को सिलेक्ट किया। बल्क में ऐसा नहीं करते हैं, बल्क में ही ग्रो कराते जाते हैं कई जनरेशन। अच्छा, इसमें चूंकि आपके पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन की भी गुंजाइश रहती है, आर्टिफिशियल डिसीज एक एपिडेमिक एक्स्ट्रा आर एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस मेथड। तो जो आर्टिफिशियल सिलेक्शंस भी इसमें पॉसिबल हैं, और वो जो डिसीज अगर कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी आई तो उसको आप लेकर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, और दूसरी बात अगर जो रेजिस्टेंट नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी इसमें पॉसिबल है। पेडिग्री रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन व्हिच इज ऑफन टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस। सबसे कठिन है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसी की वजह से इसका नाम ही पड़ा है पेडिग्री सिलेक्शन। जनरली इट इज टेकन 12 to 13 years टू रिलीज अ न्यू वरायटी। 12 to 13 years इसमें एक नई वरायटी रिलीज हो सकती है, जबकि उसमें बल्क मेथड में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए पेडिग्री मेथड थोड़ा प्रेफर, अगर हमने क्वेश्चन पूछा आपसे, अभी कल पढ़ाने के बाद ही पूछेंगे, क्वेश्चन देंगे कि बल्क मेथड या पेडिग्री मेथड में कौन बेटर है, या कौन और या किसको कब यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे कि इसका समय थोड़ा कम है इसमें, चूंकि जेनेटिक रिकॉर्ड है, और बल्क मेथड का भी कुछ यूटिलिटी है, वो कल पढ़ा जाएगा तब उसको देखा जाएगा। रिक्वायर्स क्लोज अटेंशन फॉर द ब्रीडर फ्रॉम F2 जनरेशन। ये एक बात है, जब आपको रिकॉर्ड रखना है तो क्लोज ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तो ये F2 जनरेशन का पूरा डिटेल इनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, लेकिन बल्क मेथड में ऐसा नहीं है। बल्क मेथड थोड़ा समय लेता है, लेकिन ये बात है कि उसमें नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादा होता है, तो वो जो है कहीं ना कहीं उसकी स्पीसीज जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो सकती है। पेडिग्री मेथड का एडवांटेज ये है कि पेडिग्री मेथड में पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है, तो हम जिस स्टेज पे जब चाहें उसमें कुछ चेंजेस चाहें तो कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से सिलेक्शन करवा सकते हैं, अपने हिसाब से डिजायर्ड करेक्टर को उनको ग्रो करा सकते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही था, रेफरेंस फिर हम बी डी सिंह के देंगे। हाँ, कीर्ति का शायद कल मेरे पास वो आया था ना, कीर्ति ने हमको बुक मिल गई है उसको, बीडी सिंह की ऑनलाइन बुक मिल गई है, कीर्ति ने भेजा था ना हमको। हाँ, तो तुम लोग को लिंक में भी कीर्ति भी शेयर कर सकती है, नहीं तो उसने हमको भेजा है, तो सबको बुक मिल जाएगी, बुक बहुत अच्छी है, तो उससे तुम लोग पढ़ाई करो। इसने देखो किसी ने चैट में क्या भेजा है, प्लीज। हाँ, कल वाला, हाँ पीपीटी तो भले नहीं मैम, मिल गया कल वाला, मिल गया मैम। क्या मिल गया? पिस्टी रिकॉर्ड करके रखी थी वो पीडीएफ कल वाला आपका। अरे, हमने तुम लोग के लिए कंटेंट भी बनाया था कल, हमें समय नहीं मिला। और उस लड़की ने जो पूछा था, किसने पूछा था कंटिन्यूअस, क्या क्या पूछा था तुमने? कंटिन्यूअस कंट्रोल। कौन पूछ रहा है पहले तो चेहरा देखो। कहाँ है? हाँ, तो सुनो, तो तुम जो है क्या कहते हैं
कंटिन्यूस कंट्रोल वही है, कंटिन्यूस लगाने पे कोई चीज़ उसको कंट्रोल करना, तो उसको भी हमने लिख कर रखा था, हम तुम लोग को भेज नहीं पाए, तो आज दोनों चीज़ें हम भेज देंगे, ठीक है। पेडिग्री वाला भी स्लाइड तो बनी हुई है, तो स्लाइड तुम लोग को मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ रोज थोड़ा थोड़ा हम भी चाह रहे हैं पढ़ा के ना, कंटिन्यूएशन में होगा तो सारे मेथड सिलेक्शन समझ में आ जाएंगे अच्छे से, किसमें क्या मतलब एक साथ पढ़ने से किसमें क्या डिफरेंस है वो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट आज पेडिग्री और मास में तो डिफरेंस तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या क्या अंतर है कोई बताओ? पेडिग्री में क्या खास क्या रुचिका तुम बताओ? अच्छा अब हम तुम लोग को बीच बीच में, क्योंकि हम लोग को मार्क्स देना होगा तो हम ये मान लो कि तुम लोग का इसी में टेस्ट भी हो रहा है, क्योंकि छोटा मार्क है हम लोग को, वही 30 नंबर तुम लोग को देना है ना। काजोल बता रही है। अच्छा रुचिका तेज बोलो अभी, हाँ अब बोलो फिर। मैम पेडिग्री में मतलब बहुत सारा रिकॉर्ड रखना है, उसके जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। एक रिकॉर्ड रखना है आपको, उसमें मास में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। एक बहुत अच्छा ये बात है। और क्या बात हमने खास जो बताई, ये सेग्रीगेटिंग जनरेशन का बताया है ना। हाँ कौन बोल रहा है? सेग्रीगेटिंग जनरेशन की बात भी तो बताइए। F1 नहीं लिया जाता है। हाँ F1 जनरेशन को नहीं लिया जाता है, F2 से ही रिकॉर्ड रखा जाता है। दिव्यांशी ठीक है, दिव्यांशी जीनोटिपिक कैरेक्टर भी लेते हैं। हाँ फिनोटिपिक कैरेक्टर तो लेते ही वो तो है, ठीक है सब समझ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके थैंक यू, फिर बंद करते हैं, कल मिलते हैं इसी समय। अगर कोई और क्लास होगी तो बता देना, तो कोई टाइम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, पर मेरे लिए कन्वीनियंट टाइम यही है थोड़ा, ठीक है। ओके थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। Hello. Okay, Victor.